वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंचना, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं फ्लिपकार्ट अनारकली कुर्तीज का हॉल। जी हाँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप फ्लिपकार्ट से अनारकली कुर्तीज जो आती है उसका हॉल कीजिए, तो आज की वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले मैंने इसका पार्ट वन बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हैं, और अदरवाइज मुझे याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वीडियो की लिंक, तो आप जाके चेक कर लेना। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके इतना शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है वो दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलो अब हमारे हॉल को स्टार्ट करते हैं। मेरी जो हाइट है वो 5'3" है गाइज, और जनरली मैं जो है वो एल साइज बाय करती हूँ, आप लोगों को हेल्पफुल रहे इसीलिए बता देती हूँ। सबसे पहली जो कुर्ती है इसमें आपको फेस्टिवल कलेक्शन मिल जाएगा, सारा का सारा जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। फर्स्ट वाली इस तरह की है, बहुत ही प्यारी है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आई है। और गाउन्स भी है जो ओनली 400 में मैंने बाय किए हैं और उसकी क्वालिटी अमेजिंग है। इसके पहले के हॉल में भी मैंने गाउन शेयर किया था, वो भी 400 अराउंड ये थे, इसमें भी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले। फर्स्ट वाली है वो इस तरह की है, इसकी प्राइस वगैरह आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी गाइस। दूसरी बात कि मैंने जब बाय किया था तब सेल होता, तो सेल चल रहा था, और जब सेल होता है तभी मैं बाय करती हूँ, इसीलिए मुझे कम प्राइस में मिलती है। अभी प्राइस हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसका जो नेक है वो राउंड नेक है और इसके अंदर गोल्डन प्रिंट दी गई है, और मेरे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आपको बैकग्राउंड नॉइज आएगा, उसके लिए दिल से सॉरी। इसका कलर जो है वो बॉटम ग्रीन कलर जो आता है वो है, और रेयन फैब्रिक है, यहाँ पे पिंक कलर की बॉर्डर है, ये जो है वो गोल्डन प्रिंट की गई है, बहुत ही प्यारी कुर्ती है। ये आप वेडिंग में भी पहन सकते हो, ये आप फेस्टिवल में भी पहन सकते हो, वो टाइप की है, और मुझे पर्सनली ये बहुत ही पसंद आई है, बहुत ही पसंद आई है। पूरी स्लीव इसकी हैवी है, पूरी कुर्ती हैवी है, और ये अनारकली है, जैसे आप लोगों ने बोला था तो मैंने अनारकली आप लोगों के लिए चुन चुन के ढूंढ के लेके आई हूँ। नीचे देखोगे तो नीचे का जो पूरा है वो हैवी है, इस तरह का भरा हुआ है, देखो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत हैवी लुक आता है। इसके साथ आप ऐसे पिंक कलर की लेगिंग्स वगैरह पैरअप करोगे तो चलेगा, वैसे ये फ्लोर लेंथ तक है तो इतना मैटर नहीं करेगा। पीछे की तरफ देखोगे तो पीछे से पूरा प्लेन है, इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, रेयन है, मुझे तो वही बहुत पसंद आया, और इसकी प्रिंट भी इतनी ही प्यारी है, पीछे भी प्रिंट है, यहाँ नीचे की तरफ देखोगे तो प्रिंट है, देखो, तो जिसकी वजह से इसका लुक जो है वो बहुत ही हैवी आता है। बॉटम ग्रीन कलर है प्लस गोल्ड प्रिंट है, जिसका कॉम्बिनेशन है जो प्यारा है, बिग थम्स अप है, आंख बंद करके इसको आप ले सकते हो। दूसरा जो है वो गाउन है गाइस, इसका पिक मुझे बहुत पसंद आया था, और पिक में देख के मुझे लगा कि मतलब कि शायद ये जो है वो ब्लैक कलर का होगा, लेकिन ये रॉयल ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर का है, लेकिन बहुत प्यारा है। इसका नेक देखोगे तो ऐसा है, पूरा बंद आएगा, यहाँ से बंद रहेगा, और आगे ऐसे पैटर्न है नेक में जैसे आप देख रहे हो, इसके अंदर गोल्डन प्रिंट दी गई है जिसकी वजह से इसका लुक हैवी आता है। इसकी स्लीव देखो, फुल स्लीव है, बहुत ही लंबी है, फुल स्लीव है इसकी, इस तरह की है, तो बहुत स्टाइलिश लगेगा, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट भी लगेगा, चेंज भी लगेगा। तो ये गोल्डन प्रिंट है और इस तरह की है पूरी स्लीव, ये भी अनारकली, ये गाउन है एक्चुअली, मैं सारे गाउन ही बोल सकते हो, अनारकली कम गाउन बोल सकते हो आप। इसका भी फैब्रिक बहुत ही प्यारा है, देखो ये मुझे आई थिंक 1100 अराउंड समथिंग में पड़ा था, मैंने जब बाय किया था 1100 थे या 1300 थे ऐसा कुछ था, आप अभी देख लेना इसका प्राइस। बट इसका पिक बहुत प्यारा था, मैंने चेक करने के लिए लिया कि रियल में ऐसा ही है, तो हाँ रियल में ऐसा ही है गाइस, आप ले सकते हो। और ऊपर ऐसी गोल्डन प्रिंट है इसके अंदर, और ये भी फ्लोर लेंथ तक जाएगा। पीछे देखोगे तो पीछे यहाँ पे बटन दिया है, ये जो है वो बटन दिया है यहाँ पे बंद करने के लिए, और पीछे देखोगे तो ये नई ब्रांड मैंने ट्राई की है आई थिंक फ्लिपकार्ट से। इस बार पीछे भी ऑल ओवर ऐसा गाउन है, ऑल ओवर ऐसी गोल्डन प्रिंट है, तो बहुत ही प्यारा। इसके साथ आप गोल्डन ज्वेलरी पैरअप करोगे तो प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा। ये आप इवनिंग फंक्शन जो होते हैं, रिसेप्शन वगैरह होता है, पार्टीज वगैरह होती है, इसमें पहनोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। हाई बन जो आता है उसकी हेयर स्टाइल के साथ इसको करोगे
तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ओपन हेयर मत रखिएगा, हाई बन ऐसा कुछ कीजिएगा, क्योंकि इसका नेक पूरा यहाँ से बंद है। तो ये भी बता दिया आपको कि कैसे हेयर स्टाइल कर सकते हो इसके साथ आप। उसके बाद की है ये वाली जो है गाइस, फेस्टिवल में नहीं जा सकती, आई थिंक ये एवरीडे के लिए जा सकती है। अगर आप हाउस वाइफ वगैरह हो तो इस तरह की आप ले सकते हो। इसका फैब्रिक जो है वो कॉटन का है, इस तरह की दिखती है। ये रॉयल ब्लू कलर की है, अंदर देखोगे तो ऐसी ऑरेंज एंड ग्रीन एंड प्रिंट दी गई है। यहाँ पे ऐसे बटन्स लगाए गए हैं, सिल्वर कलर के है ये बटन है। ये भी अनारकली है, सारे अनारकली है वैसे तो। इसका नेक देखोगे तो राउंड स्टैंड पट्टी वाला जो नेक आता है वो टाइप का है। स्लीव देखोगे तो स्लीव में भी ऐसे ही है, स्लीव में प्रिंट है, ऑरेंज ग्रीन वगैरह मिक्स प्रिंट दी गई है, दूर से इस तरह का दिखता है। ये देखो, ये भी ऑल ओवर प्रिंटेड है, पूरी प्रिंटेड है और कॉटन की है। इसका फ्लेयर मीडियम से ज्यादा है गाइस, तो आप इसको ले सकते हो। इसका फैब्रिक कॉटन है, तो आप इसको समर में भी इजीली पहन सकते हो, वो टाइप की है। ऑल ओवर प्रिंटेड है, इसके नीचे ऑरेंज कलर की लेगिंग्स वगैरह चली जाएगी, ऑरेंज ज्यादा अच्छी लगेगी कॉन्ट्रास्ट में। देखो पीछे की तरफ से ऐसा है, पूरा प्रिंटेड है और बहुत प्यारा है, तो ये भी ले सकते हो मेरी तरफ से। इसको भी ऐसे इसकी क्वालिटी देखते हैं तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। उसके बाद का है ये, आप फेस्टिवल में पहन सकते हो और एवरीडे में पहन सकते हो, वो टाइप का है गाइस। इसका कलर जो है वो ब्राइट रेड कलर, ऑरेंज कलर टाइप का है, और यहाँ पे देखोगे तो गोल्डन प्रिंट दी गई है। यहाँ पे इसके ब्लैक एंड गोल्डन कलर के बटन्स है, आप देखो क्लोजअप में इस तरह के। इसका फैब्रिक भी कॉटन का फैब्रिक है, तो आप डेफिनेटली इसको पहन सकते हो। ये फेस्टिवल में ज्यादा अच्छी लगेगी, अभी खोलने के बाद ज्यादा हैवी लग रही है, ज्यादा गोल्डन प्रिंट है इसके अंदर। आप देखो यहाँ पे बीच में देखोगे तो गोल्डन प्रिंट दी गई है, स्लीव में देखोगे तो इस तरह की गोल्डन प्रिंट है, यहाँ पे प्रिंट है, क्लोजअप में इस तरह की लगती है गोल्डन प्रिंट इसकी जो है वो। इसकी स्लीव बहुत प्यारी लग रही है, ये वाली प्रिंट की वजह से, छोटी छोटी प्रिंट है जिसकी वजह से इसका लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है स्लीव का। इसका फ्लेयर जो है वो मीडियम फ्लेयर है, इतना ज्यादा नहीं है, इतना कम भी नहीं है। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे गोल्डन प्रिंट है, ये ए लाइन अनारकली जो बोलते हैं ना वो टाइप का है। नॉर्मली अनारकली होते हैं वो बहुत फ्लेयर वाले होते हैं, ए लाइन होते हैं वो ऊपर से स्ट्रेट होते हैं, फिर थोड़े से फ्लेयर वाले होते हैं। दोनों साइड में यहाँ पे ये छोटी छोटी प्रिंट है, बीच में बड़ी बड़ी प्रिंट है इस तरह की। ये भी आप ले सकते हो, अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, कॉटन का है और बहुत ही प्यारा है, डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। पीछे की तरफ देखोगे तो पीछे की तरफ इस तरह है, सेम है जैसे आगे प्रिंट थी, बीच में बड़ी और साइड में छोटी प्रिंट, वैसी ही पीछे भी सेम वैसी ही प्रिंट है देखो। लेकिन बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप ब्लैक कलर का बनारसी दुपट्टा वगैरह या प्लेन दुपट्टा भी ले लोगे, चंदेरी सिल्क टाइप का कुछ ले लोगे, येलो कलर ले लोगे, बेज कलर ले लोगे तो अच्छा लगेगा। गोल्डन ज्वेलरी वगैरह करोगे इसके साथ पैरा तो आपका पूरा फेस्टिवल लुक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये भी मेरी तरफ से इसको भी यस है। उसके बाद जो है वो ये है, गाउन बोल सकते हो, अनारकली कम इसको गाउन गाइस बोल सकते हो। ये मैंने ओनली एंड ओनली 400 रुपीज में बाय किया है। इसमें बहुत सारे कलर प्रिंट डिजाइन वगैरह मिलेंगे। इसके आगे का जो पार्ट वन था उसपे भी मैंने शेयर किया था, ऑलिव ग्रीन कलर का गाउन था, अमेजिंग था गाइस, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और पीक बहुत प्यारा था। और मुझे लगा यार 400 में गाउन दे रहे तो एक बार लेके देखती हूँ, ब्रांड भी नहीं थी, प्राइस भी बहुत कम थी, ये सच में यार इतना अफोर्डेबल है तो क्वालिटी देख लेते एक बार लेके, तो इसकी क्वालिटी बहुत ही प्यारी, आप ही देख लो। और मैंने लिया था तब प्राइस में भी कम हो, अभी हाई भी हो गए, तो आप वेट कीजिएगा 400 में डेफिनेटली आते हैं, तो कल 15 दिन में एक मंथ में जब प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं कभी ना कभी तो लो जाते हैं, तो आप ले लीजिएगा 400 में, मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। और दूसरी बात बता दूं गाइस कि मैं रीसेलिंग का भी स्टार्ट करने वाली हूँ जो सारा स्टफ है वो, तो आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं मेरा जो सारा स्टफ हो पड़ा है, मैं जो सारा बाय करती हूँ वीडियोस के लिए, वो मैं रीसेलिंग में आप लोगों को, मुझे जो प्राइस में मिला है वो ही प्राइस में आप लोगों को दे दूंगी।
इसकी क्वालिटी बहुत प्यारी है, रियोन फैब्रिक है। इसका नेक देखोगे तो ऐसा है, स्लीव में ऐसी गोल्डन प्रिंट की गई है। और मेरी तरफ से तो आंख बंद करके मैंने जो फैब्रिक देखा ना, तभी मैंने बोल दिया कि यार 400 में ऐसा फैब्रिक मिल रहा है रेयन वाला और ऐसा अच्छा वाला, तो लेना ही चाहिए इस तरह का। और ये आप फेस्टिवल में भी पहन सकते हो गाइस, बिल्कुल भी चीप नहीं है। नीचे की तरफ देखोगे तो भी ऐसा है, ऑल ओवर ऐसी गोल्डन प्रिंट दी गई है और बीच में ऐसी स्काई ब्लू कलर की प्रिंट है और ब्लैक कलर की प्रिंट है, स्काई ब्लू प्रिंट है, इस तरह की है। और ये फ्लोर लेंथ तक है, तो आप अंदर कुछ भी पहन लोगे तो चलेगा, ऐसा अलग से आपको दिखेगा भी नहीं और लेना भी नहीं पड़ेगा। साइड में ऐसा बेल्ट भी दिया है बंद करने के लिए। पीछे की तरफ देखोगे तो पीछे भी सेम है, ऐसा ही प्रिंट है गोल्डन, तो आगे और पीछे से ऑल ओवर ऐसा ही भरा हुआ है। और 400 में है तो मुझे तो कुछ दिखना ही नहीं है, प्राइस इतनी प्राइस में ये मुझे मिला है, उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी तरफ से इसको बिग थम्स अप है, आप ले सकते हो। सारे के सारे जो थे वो अच्छे थे, कॉटन थे, रेयन थे, तो आप हर सीजन में इसको पहन सकते हो। रीसेलिंग का भी बताइएगा, तो जो प्राइस में मुझे मिला है मैं आपको कुरियर कर दूंगी, सिर्फ आपको जो शिपिंग चार्जेस वगैरह लगेंगे वो देने पड़ेंगे। अदरवाइज मुझे 300 में मिला होगा तो 300 में, 400 में मिला होगा तो 400 में रीसेलिंग कर दूंगी। और बस आज की वीडियो में यही था, आपको कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद आया वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।